आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम आसानी से बनने वाले साबूदाना वड़ा की रेसिपी। और इसे आज मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊँगी, साथ ही मैं फास्ट के लिए हरी चटनी भी बनाऊँगी। तो रेसिपी को आप पूरा देखिएगा और रेसिपी अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप साबूदाना लिया है, इसे एक बड़े बोल में हम डाल लेंगे। और अब हम सबसे पहले साबूदाने को अच्छे से धुलेंगे, तो इस पर हम डालेंगे थोड़ा पानी और इसे अच्छे से मसलते हुए हम साफ़ करेंगे। तो साबूदाने के ऊपर एक सफ़ेद कोटिंग होती है यानी स्टार्च, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं पानी कितना क्लाउडी हो गया है, तो इस पानी को हम फेंक देंगे और इसमें हम फिर से पानी डालेंगे और इसे हम फिर से साफ़ करेंगे। तो ऐसा आपको 4 से 5 बार करना है या फिर तब तक करना है जब तक ये पानी एकदम साफ़ ना आना शुरू हो जाए। तो इस पानी को भी मैं फेंक दूँगी। तो इसे मैंने 5 से 6 बार धुला है, तो आप देख रहे हैं पानी एकदम क्लीन हो गया है। और इसे इतने पानी में नहीं भिगोना है, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। तो इस पानी को भी मैं फेंक दूंगी। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, साबूदाने को भिगोना। तो मैंने जिस कप से साबूदाना नापा था उसी कप से मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। पानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस उतना ही पानी इसमें आपको डालना है जितने में साबूदाना आपका अच्छे से भीग जाए। तो आप देख रहे हैं साबूदाना अच्छे से भीगा हुआ है। अगर मैं आपको चम्मच से चेक कराऊँ तो आप देख रहे हैं चम्मच पानी के लेवल को बस हल्का सा टच कर रहा है, पानी चम्मच के ऊपर नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही पानी आपको इसमें डालना है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो आप इसे पूरी रात के भीगने के लिए छोड़ सकते हो। तो जब तक ये भीग रहा है तब तक अपनी हरी चटनियाँ बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च को मैं इस तरीके से तोड़ के डाल लूँगी। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर भुनी मूँगफली ली है, तो ये कच्ची मूँगफली थी, इसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इसके छिलके को निकाल दिया है। 2 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें हम दही, 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें हम जीरा। तो अगर आप फास्ट में जीरा खाते हो तो ही डालिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम व्रत वाला नमक डालेंगे, सेंधा नमक। और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम पानी। अब ढक्कन लगाकर इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने पीस लिया है। अब इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी। तो व्रत वाली हरी चटनी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे ज़रूर बनाना, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इधर साबूदाने को भीगे हुए 4 घंटा हो गया है, तो सब मैं चेक कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं साबूदाना अच्छे से फूल कर बड़ा हो गया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारे पानी को उसने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, एकदम खिला खिला ये हो रहा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि साबूदाना हमारा अच्छे से भीगा हुआ है? तो जब साबूदाने को आप इस तरीके से दबाओगे ना तो आप देखोगे बड़े अच्छे से मैश हो रहा होगा। तो इसी तरीके का हमें साबूदाना चाहिए। अच्छा, 4 से 5 घंटा भीगने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमसे थोड़ा ज़्यादा पानी चला जाता है, तो उस टाइम आप इसे इस तरीके से किसी छन्नी में रख दीजिए, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। तो मेरे यहाँ पे साबूदाने में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका साबूदाना गीला नहीं होगा और आपको बाइंडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हमारा साबूदाना बिल्कुल तैयार है, तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ें आप व्रत में खाते हो आप इसमें वही चीज़ डालिएगा, जो चीज़ें आप नहीं खाते हो उसे आप स्किप कर सकते हो। तो मैंने इसमें 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस करके डाला है, थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम बारीक कटा रहा धनिया। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब एक कच्ची मूँगफली ली थी, इसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इसके छिलके को निकाल दिया था। फिर मिक्सी में मैंने इसको हल्का दरदरा पीस लिया है, तो इसे आपको हल्का कोर्सी पीसना है, दरदरा सा, बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है। 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें हम जीरा, तो अगर आप व्रत में जीरा खाते हो तो ही डालिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम व्रत वाला नमक डालेंगे, सेंधा नमक। 3/4 छोटी चम्मच में डाली इसमें काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच चीनी लिया है, चीनी डालने से मीठा नहीं होगा बल्कि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा, तो थोड़ी चीनी आप इसमें ज़रूर डालिएगा। अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के उबले आलू लिए हैं जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो इसे हम डाल लेंगे। अब सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी मैंने इसमें नींबू का रस नहीं डाला है, एक बार पहले मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी। यहाँ पे मैंने 1 नींबू का रस लिया है, तो इसे मैं डाल लूंगी और इसे भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। तो इसे मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बस हाथों में हम हल्का सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा पोषण हम लेंगे और इसे अच्छे से गोल करते हुए इसे टिक्की का हम एक शेप देंगे। तो ये पहला तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले इसे अच्छे से हम गोल करेंगे, फिर से हम हल्का सा प्रेस करेंगे, उसके बाद इसके किनारों को अच्छे से हम सील कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी पहली टिक्की बना ली है, तो इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ। तो बहुत ही आसानी से बनाना एकदम आसानी से बन जाता है। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा पोषण लेंगे, अच्छे से पहले इसे हम गोल करेंगे, फिर इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे, उसके बाद इसके किनारों को अच्छे से हम सील कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी कुछ टिक्कियाँ बना ली हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। दूसरे तरीके में इसे हम अप्पे पैन में बनाएंगे। तो अप्पे पैन की साइज़ की हम इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो अगर मिक्सर आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप फिर से हल्का सा तेल अपने हाथ पे लगा सकते हो। बस थोड़ा सा पोषण लेंगे और उसे एकदम अच्छे से हम गोल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो शेप में अपने वड़ा बना लिए। तो अभी इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो पहले तरीके में मैं टिक्कियों को शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए पैन में मैंने थोड़ा तेल लिया है और तेल को पहले मैंने एकदम अच्छे से गर्म कर लिया है। तो तेल जैसे ही हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और इसमें हम एक एक करके अपनी टिक्कियों को डाल देंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर और क्रिस्पी नहीं हो जाता ये। तो इन्हें अभी हम बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे, जब ये एक साइड से हल्के से फ्राई हो जाएंगे तब इन्हें हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से ही हल्के से फ्राई हो गए, तो इन्हें अब मैं पलट लूँगी और दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छे से हम फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड से मैंने इसे एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया, एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया और क्रिस्पी हो गए ये। तो बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा ही क्रिस्पी लग रहे हैं। तो शैलो फ्राई करने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे वड़ा मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब दूसरे तरीके से इसे अपने पैन में हम फ्राई करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल लेंगे। तो अगर व्रत में आप घी खाते हो तो आप घी डाल सकते हो और गैस की फ्लेम को हम लो पे रखेंगे और एक एक करके इस तरीके से अपने वड़ा रख देंगे। तो सारे वड़ा मैंने इसमें रख दिए हैं। अब ऊपर से भी हम हल्का हल्का तेल लगा लेंगे। और इसे हम ढक देंगे और ढक कर इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो थोड़ी देर बाद इसे हम चेक करेंगे और इसे हम पलट लेंगे। तो आप देख रहे हैं एक साइड से कितना अच्छा इसमें कलर आया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक एकदम अच्छे से पके। तो अब इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से हम सिकने देंगे। तो लो फ्लेम पर इसे हम फिर से कवर कर देंगे। तो थोड़ी देर बाद इसे हम फिर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड से मैंने इसे एकदम अच्छे से सेक लिया है और बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे, ये देखिए। तो अप्पे पैन में ना ये बहुत ही कम तेल में सिक जाते हैं। तो इसे आज मैंने आपको दो तरीके से बनाना बताया है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो इस नवरात्रि से आप ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो सारे बड़े मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। तो एक बड़ा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे हैं। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट, ये देखिए। और इस वाली चटनी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।